नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबाकर घंटी को दबाकर ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो आइए जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं तथा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दरअसल भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। आप लोग अपने शब्दों में यह कह लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। आया समझ में? आगे देखिए वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं तो अधिकतर लोग कहेंगे जैसे अ आ ई कख गंग। दरअसल यह तो उदाहरण हुआ, परिभाषा नहीं हुआ। स्वर्ण की परिभाषा इस प्रकार से है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन उसी का उल्टा होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात उनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। आइए थोड़ा उदाहरण से जानते हैं। जैसे हमने लिख दिया अ, तो अ क्या हो गया? अ स्वर हो गया। कैसे स्वर हो गया? क्योंकि इसके उच्चारण में हमने दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली है, अ है तो केवल अ ही है। हमने लिख दिया क, तो क क्या है? व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? क्योंकि क के उच्चारण में अ आ रहा है। यदि आप क बोलेंगे तो उसमें अ आएगा, क अ आ रहा है, अर्थात व्यंजन के उच्चारण में, क के उच्चारण में हमने वर्णों की सहायता ली है, स्वर की सहायता ली है। इसको आप पृथक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा क और धन अ। ऐसे ही व्यंजन जो होते हैं उनमें स्वरों की सहायता ली जाती है बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए। तो आप क को लिए थे तो क धन अ होता है, ऐसे ख लेंगे तो आधा ख और धन अ होता है, अर्थात व्यंजन के उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वरों के उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और इनका उच्चारण भी यही है। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आइए एक बार पुनः शीघ्रता से जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं तथा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप लोग अपने वर्णों में कह लीजिए, अपने शब्दों में कह लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। उदाहरण से समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादा मत ध्यान दीजिए इस पर। आगे की वीडियो हम लोग स्वर और व्यंजन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए।